गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से गॉस की प्रमेय पढ़ी होगी, ठीक है। और अब हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। बच्चों, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, है ना, ये चार पांच क्वेश्चन बनते हैं, है ना। गॉस की प्रमेय से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम ज्ञात करना, ठीक है। अब सर की ये इतने सारी चीज़ें बनेंगी क्यों? क्योंकि गॉस की प्रमेय से एक क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है। अब गॉस के बारे में भी हमने कल बातें की थी, अब क्यों बनता है, क्यों इम्पोर्टेंट है गॉस की प्रमेय, ठीक है, वो चीज़ें भी हमने बातें की थी। देखो, ये जो गॉस था मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में, कि गॉस जो था एक गणितज्ञ था, ठीक है। और इस गॉस के बारे में एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसके दौर में? गणितज्ञों का राजकुमार। उस समय में जब इसके साथी कौन कौन हुआ करते थे? आर्कमिडीज, आप सभी ने सुना होगा, इलेवंथ में आपने पढ़ा होगा, अगर आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा या आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इलेवंथ में आपने आर्कमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा। दोस्तों, वो आर्कमिडीज इन्हीं के दौर में थे, है ना। 1700 जो आपका था, सन 1700 से 1800 के बीच की ये बात है। उस समय में जो महान गणितज्ञ हुआ करते थे, न्यूटन, जिसको आप फिजिक्स में बहुत पढ़ते हैं, वो भी एक गणितज्ञ थे, ठीक है ना। न्यूटन, आर्कमिडीज और ऐसे कई महान गणितज्ञ उस समय में हुआ करते थे। उस समय में, उस दौर में इस व्यक्ति को, गॉस को, है ना, इसका नाम है, पूरा नाम कार्ल मैड्रिक गॉस, है ना, कार्ल मैड्रिक गॉस। उस समय में इस व्यक्ति को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता था, ठीक है। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होगी, इसीलिए जब मैं आगे बात करूंगा गॉस गॉस गॉस, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि गॉस वो व्यक्ति है, है ना, वो महान साइंटिस्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको गणितज्ञों का क्या कहा जाता था? राजकुमार कहा जाता था, ठीक है। चलिए, अब हम आज सबसे पहले, है ना, गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट अनुप्रयोग क्या है? गॉस की प्रमेय से। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, गॉस की प्रमेय से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक स्थापित कीजिए। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण पहले भी पड़ी हुई है, कि सर क्या होती है? E बराबर 1/4πε0 q/r² होती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कैसे आ सकता? गॉस की प्रमेय से सिद्ध कीजिए E बराबर 1/4πε0 q/r² देखो थ्योरी में क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैंने बताया, है ना। फिर ऐसा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी बताया। बस आप तो इतना ध्यान रखना कि वो अगर बोल दे गॉस, क्या बोल दे? केवल गॉस बोल दे, तो समझ जाना कि हमें किसके थ्रू करना है, गॉस की प्रमेय के थ्रू हमें इसको फाइंड आउट करना है, ठीक। अब कैसे करेंगे? तो आपको, जिन बच्चों ने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, अगर आप विद्युत फ्लक्स वाली क्लास देखेंगे, विद्युत फ्लक्स वाली क्लास देखेंगे, फिर गॉस प्रमेय देखेंगे, फिर ये वीडियो देखेंगे, तो आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आप बोलोगे कि सर पूरी चीज़ें सीरियल वाइज हमें क्या हो गई, याद हो गई, है ना। और जितनी भी क्लासेस हैं हमारी, उनको प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वीडियो से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको इतना ईजी लगेगा कि आप, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करें। अब पिछली क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ी है ना, हमने एक बंद पृष्ठ लिया था, ठीक है। फिर वापस एक बार और बना के बताऊंगा ताकि आपको ये चीजें रट जाए, ठीक है ना। हमने एक गोला लिया था, है ना, गॉस ने क्या लिया था? एक गोला लिया था। इसके केंद्र बिंदु पर इसने क्या रखा था? प्लस क्यू आवेश रखा था, ओ माना था उसको। इससे आर दूरी पर हमने एक बिंदु पी की कल्पना की थी, ठीक है ना, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। और यहां पर फिर हमने एक अल्पपृष्ठ की कल्पना की थी, है ना, और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर थी? बाहर की ओर थी, बोले सर, ठीक है ना। अगर पृष्ठ ऐसा है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, ध्यान रखना, क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के सामने की दिशा में होता है, फ्रंट में। अगर पृष्ठ ऐसा है तो ऊपर की ओर क्षेत्रफल सदिश, अगर पृष्ठ ऐसा है तो इस डायरेक्शन में आपका क्षेत्रफल सदिश होता है, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश, क्लियर। अगर मान लो पृष्ठ ये ऐसा है तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा, जिसे मैंने क्या माना था? डीएस। और इस अल्प पृष्ठ को मैंने क्या कहा था? डीएस कहा था। और संपूर्ण पृष्ठ को क्या मान लिया था मैंने? एस।
इस तरीके से मैंने आपको डिज़ाइन किया था और हमने बहुत अच्छे तरीके से गॉस की प्रमेय क्या की थी, फाइंड आउट की थी, है ना। अब आगे आ जाइए भाइयों, देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बना दी हैं और बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझ जाना, है ना। एक संपूर्ण पृष्ठ बनाया हुआ है और सारी चीज़ें जो मैंने वहाँ पर बताई वही मैंने यहाँ पर बनाई है ना। और जैसा कि गॉस की प्रमेय में हमने देखा था वैसा ही आपको लिखना, और लिखना भी कैसे है, इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना। माना एक बंद संपूर्ण पृष्ठ एस है, इसके बिंदु ओ पर एक धनात्मक आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी मानकर अल्पपृष्ठ की कल्पना करते हैं, तब बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है। इस E को हमें किसकी सहायता से फाइंड आउट करना है, गॉस की प्रमेय की सहायता से। देखो फिर हमने क्या देखा, अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो कि हमने पिछली क्लास में किया है। अब अल्प पृष्ठ से कौन सा फ्लक्स गुजरेगा, बोले सर अल्प पृष्ठ गुजरेगा जिसको हमने डी फाई माना। संपूर्ण पृष्ठ को क्या, संपूर्ण फ्लक्स को क्या मानते हैं, फाई, और अल्प फ्लक्स को क्या कह दूंगा, डी फाई। संपूर्ण पृष्ठ को क्या मानता हूं, एस, और अल्प पृष्ठ को क्या कहूंगा, डी एस, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखना, है ना। अल्प दूरी को मैंने क्या बोला था वहां पर, 2L, क्लियर, ठीक है। अल्प कार्य क्या था, डी डब्ल्यू। ये टर्म जो है ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, अल्प पृष्ठ से कैसा फ्लक्स निकलेगा, अल्प फ्लक्स, तो अल्प फ्लक्स क्या है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, ठीक है, आ गई बात समझ में। फिर हमने क्या देखा, इसका समाकलन करेंगे संपूर्ण निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हमने क्या किया, समाकलन, और ये क्या लगाया हमने, क्योंकि ये एक क्लोज सरफेस है, बंद बंद सतह है ना, तो इसके लिए हमने यहां पर ये चीज लगाई है, इनक्लोज द सर्कल, ठीक है। चलिए फिर हमने क्या किया, मैंने क्या बोला था कि E का नहीं होता, इसको हमने कहां ले लिया, बाहर ले लिया, है ना। DS का क्या हो जाएगा, S, और आपको पता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ मैंने बताया था पिछली क्लास में 4πr², ठीक है। मैंने आगे बढ़ाया इसको, क्या लिख दूंगा, E को तो मैंने ऐसा का ऐसे ही लिया। देखो गॉस की प्रमेय सिद्ध करते समय मैंने E की वैल्यू रख दी थी यहां पर, यहां पर E का मान नहीं रखना है, ठीक है। और DS की जगह पर यहां पर क्या हो जाएगा, S, और उस एस को मैंने क्या लिखा था, 4πr² क्यों लिखा था, चूंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है ना, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, है ना, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है ना, संपूर्ण पृष्ठ, है ना, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr², इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एस की जगह पर 4πr², और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लिया, समीकरण नंबर एक, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे, गॉस की प्रमेय से, हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय से, है ना, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है भाइयों, बताइए मुझे क्या कहती थी, बोले फाई इज इक्वल टू 1/ε0 × Q, इसको मानो समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखो ये भी फाई के बराबर है और ये भी फाई के बराबर है, तो इसको और इसको दोनों को मैं बराबर रख के और वैल्यू पुट कर दूंगा, यहां पर लिखूंगा समीकरण नंबर एक व दो से, है ना, समीकरण नंबर एक व दो से, क्या लिखेंगे सर समीकरण नंबर एक और दो से आप, तो मैंने क्या करूंगा, इसके बराबर इसको लिख दूंगा, है ना, क्योंकि मुझे E के बराबर निकालना है, वैल्यू किसके बराबर निकालना, E के बराबर, तो इसको मैं किधर लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इस तरीके से E इंटू 4πr² इज इक्वल टू, इसके बराबर इसको लिख दूं, 1/ε0 × Q। अब देखो भैया यहां पर मुझे E के बराबर निकालना है, तो ये 4πr² को उधर ले जाता हूं, इधर ये गुणा में है तो उधर जाके किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, और आपके सामने आ जाती है, क्या आ जाती है, E इज इक्वल टू 1/4πε0, ये जो 4π है इसको इसके साथ लिख दूंगा और r² को q के नीचे लिख दूंगा, बात वही है, क्योंकि गुणा में कैसे होता है, गुणा में ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है, तो q/r², और यही है आपकी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इति सिद्धम, ठीक है, न्यूटन अपान कुलाम, आ गई बात समझ में, ठीक है, न्यूटन अपान कुलाम।
इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर। ये हमने क्या कर दिया, गॉस की प्रमेय से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर दिया। बस यही क्वेश्चन आपका बनता है और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। नोट्स बनाने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने करता गया हूँ ऐसा ही आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नोट डाउन कीजिए, पिछली क्लासें देखी हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम गॉस की प्रमेय के द्वारा कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे, ठीक है। कूलाम के नियम को गॉस की प्रमेय के थ्रू कूलाम के नियम को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।